बल तथा गति के नियम भाग दो। गति का प्रथम नियम। पिछले वीडियो में हमने बल के बारे में जाना और संतुलित बल और असंतुलित बल को भी समझा। इस वीडियो में हम गति के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे और जड़त्व यानी इनर्शिया तथा द्रव्यमान यानी मास में संबंध देखेंगे। याद करो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने गति की पुरानी सोच को खारिज करके इसे समझने का बिल्कुल नया तरीका निकाला था। गति का प्रथम नियम कैसा आया, ये समझने के लिए गैलीलियो गैलीली द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर नजर डालते हैं। गैलीलियो गैलीली को बचपन से ही गणित में बहुत रुचि थी। 1589 में अपनी निबंध की श्रेणी में गैलीलियो ने नत समतल के प्रयोग से गिरती वस्तुओं के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए। 1592 में उन्हें पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपनी नत समतल पर गति की पढ़ाई को जारी रखा और समझाया कि कोई वस्तु अपनी स्थिर गति से चलती रहती है अगर उस पर कोई असंतुलित बल ना लग रहा हो। गैलीलियो द्वारा किए गए एक प्रयोग पर नजर डालते हैं। उन्होंने एक कांच की गोली को नत समतल की ऊंचाई से छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कांच की गोली का वेग नीचे लुढ़कते समय बढ़ जाता है। पुनः उन्होंने कांच की वही गोली ली और इस बार इसे नत समतल पर चढ़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने देखा कि कांच की गोली का वेग ऊपर चढ़ते समय घट जाता है। गैलीलियो ने आगे तर्क दिया कि अगर दो विपरीत ढाल वाले नत समतल साथ रखे जाएं, तो एक समतल की ऊंचाई से छोड़ी गई गोली दूसरे समतल की ऊंचाई पर चढ़ने तक ही लुढ़केगी। यदि दाएं समतल की ढाल को कम कर दिया जाए तो कांच की गोली को जिस ऊंचाई से छोड़ा गया था उसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे कुछ ज्यादा चलना पड़ेगा। यदि ढाल को घटाकर शून्य कर दिया जाए तो कांच की गोली जिस ऊंचाई से छोड़ी गई थी उसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमेशा लुढ़कती रहेगी। इस स्थिति में गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांच की गोली की गति को परिवर्तित करने के लिए एक असंतुलित बल की जरूरत है। लेकिन गोली की गति को बनाए रखने के लिए किसी परिणामी बल की जरूरत नहीं है। यहां हमने माना कि कोई भी असंतुलित बल नहीं लग रहा है, फिर भी प्रयोग में असंतुलित बल जैसे कि घर्षण बल गोली की गति को रोकता है। आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के नियम को पढ़ा और गति के तीन नियम प्रस्तुत किए। इन तीन नियमों को न्यूटन के गति के नियम से जाना जाता है। गति का पहला नियम बताता है कि एक वस्तु विराम अवस्था में या एक समान सरल रेखीय गति में रहती है जब तक कि इसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कोई असंतुलित बल ना लग रहा हो। इसका मतलब एक वस्तु इसकी वास्तविक स्थिति में रहेगी और किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगी। जमीन पर पड़ी फुटबॉल तब तक नहीं चलेगी जब तक खिलाड़ी इसे लात ना मारे, और गोल की तरफ जा रही फुटबॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक दूसरा खिलाड़ी इसे ना रोके। वस्तु के विराम अवस्था या एक समान वेग से गतिमान अवस्था में रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। इसलिए गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है।
एक कार का उदाहरण देखते हैं। यदि ये अचानक चलना प्रारंभ कर देती है तो तुम्हारे शरीर का ऊपरी भाग पीछे की ओर जाने लगता है। ऐसा हमारे शरीर में विराम के जड़त्व के कारण होता है, जो गति का विरोध करता है। और इसलिए जब कार चलना प्रारंभ करती है तो ये शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे नहीं चलने देता, लेकिन कार के संपर्क में आने वाला शरीर का निचला हिस्सा आगे की ओर चलने लगता है। जब कोई कार अचानक मुड़ती है तो हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण घुमाव के दूसरी दिशा में मुड़ने लगता है। और जब गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर जाने लगता है। ऐसा हमारे शरीर में गति के जड़त्व के कारण होता है, जो गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा पेटी को पहना जाता है। सुरक्षा पेटी एक बल लगाती है जो आगे की ओर गति का विरोध करता है और इसे धीमा कर देता है। जड़त्व के प्रभाव को समझने के लिए एक और आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ग्लास, उसके मुंह को ढकने लायक कार्ड और एक सिक्का लेते हैं। कार्ड को ग्लास के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि इसका पूरा मुंह ढक जाए और फिर इसके ऊपर सिक्का रख देते हैं। अब कार्ड को जितना जोर से संभव हो खींचते हैं। तुम्हें क्या लगता है, सिक्का कार्ड के साथ चला जाएगा? बिल्कुल ठीक, ऐसा हो सकता है अगर कार्ड को धीरे से खींचा जाए। लेकिन अगर तुम कार्ड को बहुत तेजी से खींचते हो तो इस पर रखा सिक्का इसके साथ चलने के बजाय लंबवत रूप से नीचे ग्लास के अंदर चला जाएगा। ऐसा सिक्के के विराम अवस्था के जड़त्व के कारण होता है, जो इसकी विराम अवस्था को स्थिर रखने का प्रयास करता है जब कार्ड को खींचा जाता है। इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विराम वस्तु विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है। जड़त्व के कारण वस्तुएं अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तुम्हें क्या लगता है, सभी वस्तुएं समान जड़त्व उत्पन्न करती है? कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम एक फुटबॉल को आसानी से लात मारकर चला सकते हो, लेकिन क्या कार को भी? जबकि तुम इसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हो, फिर भी ये मुश्किल से चलती है। इसी प्रकार खाली खरीदारी करने वाली गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं, जबकि सब्जियों से भरी गाड़ी को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें भरी गाड़ी की अपेक्षा खाली गाड़ी को चलाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब कि खाली गाड़ी की अपेक्षा सब्जियों से भरी गाड़ी की चलने की प्रवृत्ति कम है, जिसका मतलब है कि खाली गाड़ी की अपेक्षा सब्जियों से भरी गाड़ी का जड़त्व अधिक है। इस प्रकार द्रव्यमान और जड़त्व में संबंध दर्शाया जा सकता है। किसी वस्तु का जड़त्व वो प्राकृतिक गुण है जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। इस वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम के बारे में जाना और जड़त्व यानी इनर्शिया तथा द्रव्यमान यानी मास में संबंध देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या होता है और गणित में इसका वर्णन कैसे करते हैं।